फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। तो सुना आपने, एमपी में खुले में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई। एमपी की मोहन सरकार के इस फैसले के बाद शहर में जगह जगह ठेला लगाकर अपना घर चलाने वाले छोटे दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें ऐसे ठेला लगाने वाले गरीब व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रही है। ये हैं डॉली, लिंक रोड नंबर 1 पर रोज शाम अंडे का ठेला लगाती हैं। लेकिन अब सरकार के फैसले से ये भी चिंतित हैं, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा उठाना है और परिवार का भी। रोजाना डॉली कॉलेज से आने के बाद यहाँ पर उबले अंडे बेचकर अपने दैनिक उपयोग के लिए पैसे जोड़ती थी, लेकिन अब वो परेशान है। क्या कहना है डॉली का, आप भी सुनिए। अंडे का ठेला नहीं लगाने दे रहे, चालान काट रहे। अगर चालान इंसान देगा तो खाएगा क्या? मच्छी वालों को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। अगर इंसान इनका चालान देगा तो घर में पेट कैसे भरेगा? अपनी स्टडी नहीं कर सकते। अगर मैं अंडा नहीं चलाऊंगी तो स्टडी कैसे करूंगी? अपनी फीस कैसे भरूंगी? इसलिए इन सबको ना रोक कर बेचने दिया जाए। अगर खुले में नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? अगर आड़ में बेचेंगे हम ये चीजें तो बिकेगी नहीं। अंडा नहीं दिखेगा तो कैसे बिकेगा? अगर ये मच्छी नहीं दिखेगी तो कैसे बिकेगी? अगर कुछ नहीं दिखेगा तो इंसान खरीदने कैसे आएगा? उसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये चीजें बिकती है? इस वजह से सबको ही प्रॉब्लम हो गई है। सरकार से यही मांग करेंगे, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दी जाए, क्योंकि सबको ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे अपनी स्टडी नहीं करेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा। ये है नफीस खान, जो लंबे समय से मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अब इनके सामने भी जीवन यापन का संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नफीस का कहना है कि हमें कहीं और दुकान दी जाएगी तो वहां लोग खरीदारी करने नहीं आएंगे, और जब ग्राहक ही नहीं होगी तो हमें मुनाफा कैसे होगा? हम कैसे अपना परिवार को चलाएंगे? परेशानी यही है, लगान नहीं दे रहा दुकानदारी हम लोगों को। अब खुले में थोड़ी, खुले में तो बेच रहा है, लेकिन बाहर कह रहा है बाहर लगाएंगे तो हमारा धंधा नहीं हो पाएगा। जलपर ही हमारा पूरा धंधा करने क्या सवाल है बताइए आप? उसमें कितनी परेशानी हो जाएगी? बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ही ज्यादा परेशानी। थोड़ी भी नहीं भाई, अगर दूर जाएंगे तो ग्राहक ही नहीं आएगा, क्योंकि सारी ग्राहकी नहीं थी। अब वो कह रहा हम तो आपको दूर फेंक के देंगे, क्या करेंगे? खाली 2-3 घंटे दुकान लगती है हमारी तो, वैसे ज्यादा नहीं लगती। अब ये भी सुनिए, सरकार के आदेश के बाद कैसे पुलिस भी इन गरीबों को धमकाती है। वहीं अमर का भी कुछ ऐसा ही कहना है। अमर का कहना है कि हम रोजाना शाम को सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, सरकार के इस आदेश के बाद अब हमें परेशानी हो रही है। सरकार हमें दुकानें आवंटित करे, हम उसकी किस्त भी देंगे, लेकिन तत्काल कार्रवाई करना ठीक नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? परेशानी है कि सर मतलब यहाँ लगाने नहीं दे रहा है, वरना दुकान देने का कहना है। तो हम लोग जाएंगे खाली वहाँ, रोजी रोटी के संग 3-4 घंटे दुकान लगाते हैं हम, पर दिन भर तो बैठते नहीं। बस यही आपत्ति आ रही हो सरकार से, यही कहेंगे कि लगाने नहीं दे रहे, कहीं जगह दो या दुकान दो तो हम भरने के लिए तैयार हैं उसकी किस्त भी। भाई ठिकाना तो दो कहीं यहीं पास में, हम तो किस्त भी भरने के लिए तैयार है दुकानों की, हमारा नाम तो करवा दुकान। वहीं होलसेल में अंडों की बिक्री करने वाले मोहन जोशी भी बताते हैं कि सरकार के इस आदेश के बाद अंडों की बिक्री में कमी आई है। पिछले 40 सालों से अंडों की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इस आदेश के बाद हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, इसका संकट खड़ा हो गया है। अब यार धंधा करते हुए 40 साल तो हो गए, अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। जब नए मुख्यमंत्री साहब बदल गए तो नए नए काम दिखा रहे हैं, अब क्या होगा देखते। डॉक्टर बताते हैं भैया बच्चों को खिलाओ, इससे विटामिन रहता है। वो जे नए कानून आ रहे हैं कि बंद करो, खुले में नहीं बेच सकते, जिन्हीं में से अब इतने 40-50 साल से बेच रहे हैं, जब तक तो कोई काम नहीं हुआ, अभी एक नए कानून लग गया, बहुत परेशानी होगी अब। हालांकि सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए मार्केट बनाने की बात कही है, लेकिन अगर मार्केट दूर बनाया जाएगा तो वहां लोग खरीदारी करने कैसे पहुंचेंगे? इसको लेकर रोजाना सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी चिंतित हैं। ऐसे में देखना यह है कि अब इन छोटे दुकानदारों की गुहार को सरकार कितना सुनती है, और क्या इन दुकानदारों की समस्या का कोई हल निकल पाता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।